प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईसा मसीह नजरत के सभागृह में शिक्षा दे रहे हैं, तो लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें का पुस्तक देते हैं, वो पुस्तक से पढ़ते हैं। फिर ये वचन मुझ में आज पूरा हो गया है, उसी के बारे में उन्हें का व्याख्या देते हैं। लोग उन्हें का शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं, पर उन लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। तब जाकर के ईसा मसीह पवित्र वचन के प्रति अपने प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए उन लोगों को उचित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ईसा मसीह वहां पर दो उदाहरण रखते हैं। पहला उदाहरण है कि यरूशलेम में बहुत सारे विधवाएं थे, परंतु नबी एलियस ने सरेप्ता का एक विधवा के पास ही भेजा था, जिन्होंने उसी नबी को उन्हीं के वचन को अनुसरण करने के लिए तैयार हो गया था। और यरूशलेम में बहुत सारा कोढ़ी था, नबी एलिशिया के पास उसी सीरिया का नामान के बुला के शुद्ध हुआ है। आज प्रभु के दिव्य सान्निध्य में लेटते समय, ईश्वरीय वचन सुनते समय मेरे जिंदगी में उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता है या नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, हर एक नबियों ने ईश्वरीय वचन के अनुसार अपने जिंदगी में बदलाव लेके आया था। मत मरियम, संत यूसुफ सबने अपने जीवन में उचित प्रतिक्रिया के साथ अपने जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो गया था। आज इन्हीं लोगों ने सपने हम लोगों को भी इसी प्रकार एक प्रतिक्रिया अपने जिंदगी में बरकरार रखने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आइए ईश्वर के वचन सुनकर उसी के अनुसार उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला हम सब बने। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबों को परिपूर्ण करें। सबको यीशु।